हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश फर्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन टू, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 6 पर दिया गया है। लेसन का नेम है नानीज वॉक टू द पार्क। सबसे पहले वार्म अप देख लीजिए। टिक द एक्टिविटीज़ यू लाइक, टॉक अबाउट एनी वन ऑफ देम इन क्लास सेइंग व्हाई यू लाइक इट। मतलब आपको इन एक्टिविटीज़ में से जो एक्टिविटीज़ पसंद हैं उन पर टिक करना है और डिस्कस करना है कि ये आपको क्यों पसंद है ये एक्टिविटी। चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। वंस अ वीक नानी गोज टू द पार्क। टुडे वेंकी वांट्स टू गो विथ हर। सप्ताह में एक बार, वंस इन अ वीक यानी सप्ताह में एक बार नानी जो है वो पार्क जाती हैं, और आज वेंकी भी उनके साथ जाना चाहता है। आई वॉक स्लोली सेज नानी, एंड आई टेक माई टाइम गेटिंग देयर। तो नानी ने कहा कि मैं धीरे चलती हूँ और मैं वहाँ अपना समय बिताने जाती हूँ, मुझे वहाँ समय लगेगा। आई डोंट माइंड सेज वेंकी। तो वेंकी ने कहा कोई बात नहीं। नानी पिक्स अप हर शॉपिंग बैग एंड स्टार्ट्स टू क्रॉस द रोड। तो नानी ने अपना शॉपिंग बैग उठाया और रोड क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। बट नानी सेज वेंकी द पार्क इज दैट वे। तो वेंकी जो था उसने कहा लेकिन नानी पार्क तो इस तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रही हो। द लेन ऑफ वी विल गो दिस वे सेज नानी थ्रू द लेन ऑफ ट्रीजर्स। तो नानी ने कहा कि हम इस रास्ते से जाएंगे लेन ऑफ ट्रीजर्स से होते हुए। द लेन ऑफ ट्रीजर्स, व्हाट अ वंडरफुल नेम फॉर द मार्केट। तो लेन ऑफ ट्रीजर्स किसको कहा गया है, मार्केट को नेम दिया गया है लेन ऑफ ट्रीजर्स। लेन यानी कि गली, ट्रीजर यानी कि खजाना, मतलब खजाने वाली गली। द शॉप्स हेयर सेल एवरीथिंग, यहाँ की दुकानें सब कुछ बेचती हैं। तो उन्होंने वहाँ पर सब कुछ मिलता है मार्केट में, इसलिए उन्होंने उस लेन को नेम दे दिया है लेन ऑफ ट्रीजर्स, खजाने वाली गली। व्हेन नानी फिनिशेस शॉपिंग वेंकी पॉइंट्स टू अ गेट एंड आस्क शैल वी टेक अ शॉर्टकट नानी, वी विल बी एट द पार्क इन नो टाइम। तो जब नानी ने शॉपिंग ख़त्म कर ली तो वेंकी ने एक गेट की तरफ इशारा किया और कहा नानी क्या हम ये शॉर्टकट ले लें, यहाँ से हमें पार्क पहुँचने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर है नो सेज नानी, वी विल गो थ्रू द लेन ऑफ ब्यूटी। तो नानी ने मना किया शॉर्टकट लेने से, वो कहा हम लेन ऑफ ब्यूटी से होकर जाएंगे। इन द लेन ऑफ ब्यूटी द पीपल स्टिच अमेजिंग गोधीस। लेन ऑफ ब्यूटी में क्या है, लोग बहुत अच्छी गोधी सिलते हैं। गोधीस क्या होता है, ट्रेडिशनल रजाई होती है जो कि रीयूजेबल क्लॉथ से मिलकर बनती है, उन क्लॉथ्स को रीयूज करके उसको बनाया जाता है। अ लेडी गिव्स नानी अ गोधी इन विच वेंकी सीज अ पीस ऑफ हर फेवरेट साड़ी एंड अ बिट ऑफ मास कुर्ता। तो एक लेडी ने नानी को एक गोधी दी, एक रजाई दी, जिसमें क्या था, वेंकी ने देखा कि उसमें उनकी फेवरेट साड़ी और माँ का कुर्ता का थोड़ा अंश था, मतलब जो रीयूजेबल क्लॉथ से मिलकर बनती है आप गोधीस, तो उसमें उसको थोड़ा अंश दिखा उन कपड़ों का। सॉल वी गो टू द पार्क नाउ आस्क वेंकी। तो वेंकी ने पूछा क्या हम अब पार्क जा सकते हैं। यस सेज नानी, वी विल टेक द लेन ऑफ हैप्पीनेस। तो नानी ने कहा हाँ, और हम लेन ऑफ हैप्पीनेस, खुशी वाली गली से होकर जाएंगे। कम 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 नानी कॉल सॉफ्टली वेंकी लाफ्स एज डॉग्स एंड कैट्स टम्बल आउट फ्रॉम एवरीवेयर। तो नानी ने जैसे ही कम कम कहा वेंकी हंसने लगा और चारों तरफ से, सभी तरफ से डॉग्स और कैट्स आने लगे निकल कर। नानी पोर्स द मिल्क सी बॉट एट द मार्केट एंड दे वॉच एज द एनिमल्स लिक देयर बाउल्स क्लीन। तो नानी ने जो मार्केट से मिल्क खरीदा था वो मिल्क उन्होंने क्या किया, बाउल में डाला, और फिर उन वे लोग डॉग्स और कैट्स को पूरा मिल्क फिनिश करते हुए देखने लगे, और देखते ही देखते उन लोगों ने पूरा मिल्क फिनिश कर दिया। वेंकी डज नॉट वॉन्ट टू लीव द लेन ऑफ हैप्पीनेस। वेंकी जो है वो लेन ऑफ हैप्पीनेस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बट नानी रिमाइंड सिम। तो फिर उसे नानी ने याद दिलाया दैट दे आर ऑन देयर वे टू द पार्क, कि वो घर से पार्क जाने के लिए निकले हैं। नेक्स्ट नानी एंड वेंकी वॉक थ्रू अ लेन बिहाइंड द स्कूल।
तो अब नानी एक स्कूल की पीछे वाली गली से होते हुए जा रहे थे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग लंगड़ी लगोरी एंड सखली। बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? लंगड़ी लगोरी और सखली। इस दिस द लेन ऑफ नॉइज, आस्क वेंकी। तो वेंकी जो था उसने पूछा, क्या है शोर वाली गली है? नो, इट्स द लेन ऑफ मिसचीफ। नहीं है, शरारत वाली गली है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स, लाप्स नानी। तो नानी ने कहा, यह मुझे तुम्हारी और तुम्हारे मित्रों की याद दिलाती है। और नानी हंसने लगी। हैव यू नेम्ड ऑल द लेन्स इन द सिटी, आस्क वेंकी। तो वेंकी ने पूछा, क्या आपने शहर की सारी गलियों को नाम दे दिया है? नॉट ऑल, स्माइल्स नानी। तो नानी ने स्माइल देते हुए कहा कि नहीं, सभी को नहीं। ऑल द वंस दैट आर इम्पॉर्टेंट टू मी, लेकिन हाँ उन सभी को दिया है जो कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। द पार्क इज नॉट फार नाउ, बट यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। तो नानी ने कहा कि अब पार्क ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। आई वॉन्ट टू स्टॉप एट द लेन ऑफ फ्रेंडशिप, सेज नानी। उन्होंने कहा कि मैं मित्रता वाली, दोस्ती वाली गली में रुकना चाहती हूँ। इन द लेन ऑफ फ्रेंडशिप, नानी विजिट्स हर डियर फ्रेंड। तो लेन ऑफ फ्रेंडशिप में नानी अपनी प्रिय मित्र से मिली। दे वर गर्ल्स टुगेदर एंड दे हैव ग्रोन ओल्ड टुगेदर। वो बचपन की मित्र थी, वो साथ में बड़ी हुई, साथ में बूढ़ी हुई। दे विस्पर एंड गिगल। वो लोग विस्पर करने लगे, यानी कि फुसफुसाने लगे। अब दो फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो बातचीत करते हैं, फुसफुसाने लगे, हंसने लगे। फिर देन नानी गिव्स हर फ्रेंड अ हग एंड सेज इट्स टाइम टू लीव। फिर नानी ने अपनी फ्रेंड को हग किया और बोला कि अब समय हो गया है जाने का। वी विल नाउ वॉक थ्रू द लेन ऑफ ड्रीम्स। अब हम लेन ऑफ ड्रीम्स यानी स्वप्न की गली से होकर जाएंगे। द लेन ऑफ ड्रीम्स हैज़ मोर बुक्स देन वेंकीज स्कूल लाइब्रेरी। वेंकी के स्कूल की लाइब्रेरी से भी ज़्यादा बुक्स कहाँ थी? लेन ऑफ ड्रीम्स में। द बुक सेलर सेल्स ओल्ड बुक्स फॉर वेरी लिटिल मनी एंड बायस द ओल्ड दैट पीपल हैव फिनिश्ड रीडिंग। जो बुक सेलर था, किताबें बेचने वाला, वो पुरानी किताबें बहुत कम रुपयों में बेचता था और लोगों ने जो किताबें पढ़ ली होती थी वो उनको खरीद भी लेता था, पुरानी किताबें। नानी चूजेस अ बुक एंड सेज लेट्स गो, वी आर ऑलमोस्ट एट द पार्क नाउ। तो नानी ने उनमें से एक किताब चुनी और कहा, चलो अब हम लगभग पार्क पहुंच ही गए हैं। एंड दे वॉक डाउन द लेन ऑफ मैजिक। और वे लोग नीचे की तरफ लेन ऑफ मैजिक में वॉक करने लगे। वेंकी लुक्स अप एट द बिग ट्रीज दैट ऑफर सेड एंड फील्स अ कूल ब्रीज। तो नानी वेंकी जो है वो बड़े पेड़ों पर, बड़े छायादार पेड़ों पर जो कि छाया दे रहे थे, और उसको वहाँ पे बहुत अच्छी हवा लग रही थी वेंकी को। उसने देखा, नानी सोज हिम गुलमोहर अमलतस एंड जारुल ट्रीज। तो नानी ने उसको गुलमोहर, अमलतस और जारुल के पेड़ दिखाए। एट लास्ट दे रीच द पार्क। अंत में वे पार्क पहुँचे। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट होम। और अब काफ़ी समय हो चुका था जब वे घर से निकले थे। वेंकी लुक्स अराउंड एंड थिंक्स ऑफ ऑल द पीपल। तो वेंकी अपने चारों तरफ देखने लगा और सभी लोगों के बात को देखकर सोचने लगा। एंड प्लेसेस ही हैज सीन दैट मॉर्निंग। और सभी उन जगहों के बारे में सोचने लगा जो कि उसने उस सुबह देखे थे। आई लाइक योर लेन्स नानी ही सेज। और वह नानी से बोला, मुझे आपकी ये गलियां बहुत पसंद हैं। मे आई कम विथ यू नेक्स्ट वीक टू। क्या मैं आपके साथ अगले सप्ताह भी आ सकता हूँ? तो ये आपका लेसन 2 था, नानीज वॉक टू द पार्क। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।